हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, इसे हम स्वेटर में बॉर्डर बनाने से पहले बनाएंगे। जब हम फंदे डालेंगे तब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए, इसमें फंदों का कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। आप जितने भी फंदे डालना चाहें उतने डाल लीजिए। इवन नंबर में, ऑड नंबर में, जितना फंदे आपको डालने हों उतने आप डाल सकते हैं। और जैसे भी आपको फंदे डालने आते हैं आप उस तरह से फंदे डाल लीजिए। मैं फंदे जैसे डाल रही हूँ, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो अगर आपको इस तरह से ही फंदे डालने हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए, ये मैंने 11 फंदे सिलाई पर लिए हैं, 11 स्टिचेस में ले रही हूँ। देखिए, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि 11 स्टिचेस डालने ज़रूरी नहीं हैं। इवन नंबर में, ऑड नंबर में, 10, 20, जितने फंदे आप डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा राइट साइड है और राइट साइड से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए राइट साइड है हमारा और हमारी फर्स्ट रो। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से नीचे से हम नीडल को डालेंगे। देखिएगा एक बार फिर से, यहाँ से हमको नीडल डालनी है और एक फंदा बना लेना है। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर से नीडल को नीचे से डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब नीडल को नीचे से डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब नीडल को नीचे से डालकर एक फंदा बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से नीडल को नीचे से डालकर एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। राइट साइड से फर्स्ट रो हम इस तरह से पूरी बुन लेंगे। फिर से नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा बनाया। अब एक फंदा सीधा बुना। फिर नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा बनाया। एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर नीचे सिलाई डालकर एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हम नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा बनाएंगे और अभी लास्ट फंदा भी सीधा बुन लेंगे। ये फर्स्ट सिलाई हमारी, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो पर आ गए रॉन्ग साइड से। तो देखिए, पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब वूल को अपनी साइड लाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है, जो हमने नीचे से सिलाई डालकर बनाया था, इसको हमें स्लिप कर लेना है। वूल पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, वूल अपनी साइड लाएंगे। अब फिर से हम इस फंदे को स्लिप करेंगे। वूल पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, वूल अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। वूल पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, वूल अपनी साइड लाएंगे और फिर एक फंदा स्लिप करेंगे।
पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से। बूल अपनी साइड लाए, एक फंदा स्लिप किया, बूल पीछे ले गए, एक फंदा सीधा बुना। बूल अपनी साइड, एक फंदा स्लिप करेंगे, बूल पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। बूल अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, बूल पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। बूल पीछे ले गए, एक फंदा सीधा बुना, बूल अपनी साइड लाए, एक फंदा स्लिप किया। लास्ट में देखिए, बूल पीछे ले जाकर ये फंदा सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम थर्ड रो पर आ गए राइट साइड से। अभी मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा सा इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस सिलाई में हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये जो एक लंबा वाला फंदा है जो हमने नीचे से इस तरह से बनाया था, इसको और इसके साथ वाला ये फंदा, ये अगला वाला फंदा, ये इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक बुन लेंगे। फिर ये जो लंबा वाला फंदा है और ये इसके बाद वाला फंदा, फिर से हम इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक बुन लेंगे। फिर से ये दो फंदे हमें एक साथ लेकर बैक लूप से दो का एक कर लेना है। फिर से हम वैसे ही बनाएंगे, ये फंदा जो हमने नीचे से लिया था इसको और इसके बाद वाले फंदे को, दोनों फंदों को हमें एक साथ लेना है, बैक लूप से दो का एक कर लेना है। इसी को हमें आगे रिपीट करते जाना है। पहले फर्स्ट रो में हमारे फंदे जो बढ़ गए थे वो इस रो में घट जाएंगे और फंदे हमारे उतने ही रह जाएंगे जितने की हमने डाले थे। फिर से ये दो का एक करना है। फिर से दो का एक करेंगे। फिर दो का एक किया और लास्ट में यहाँ पर भी हमने ये दो का एक कर लिया। अब ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से आ गया है। ऊपर आप जैसा बॉर्डर भी बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये बॉर्डर के नीचे आएगा, तो इसको आप किसी भी कलर में बनाइए। इसको लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, कहीं पर भी आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा ये। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।